प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हो जाए और मगन हो जाए। परमेश्वर हम सभी को बहुत बहुत आशीष देने पाए। यीशु पृथ्वी पर आने का मकसद था। यूहन्ना 12 उसका 45, John 12:45, और जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वालों को देखता है। 46, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना रहे। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं कि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना रहे, अंधकार में ना रहे। यीशु मसीह के आगमन के बारे में यूहन्ना को सुसमाचार का पहला अध्याय से लेकर इस प्रकार लिखा है कि हरेक मनुष्य को प्रकाशित करने वाला सच्ची ज्योति दुनिया में आने वाला थी। यूहन्ना 1:4, उसमें जीवन था और जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। हरेक मनुष्य को प्रकाशित करने वाला सच्ची ज्योति जगत में आने वाले थे। उसके बाद यीशु मसीह के आगमन के बारे में लिखा है। यीशु ने बोला है, मैं ज्योति बनकर दुनिया में आया है ताकि मेरे ऊपर विश्वास करने वाला कोई भी अंधकार में ना जी। यीशु मसीह के सेवकाय के बारे में लिखा है, सबलून नफ्ताली देशों में जब यीशु मसीह गया, अंधकार में बैठे हुए लोग बड़ा ज्योति को देखा। अंधकार में बैठे हुए लोग बड़ा ज्योति को देखा। यीशु ने बोला, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया का ज्योति हूं। यीशु जीवन का ज्योति बनकर, जगत का ज्योति बनकर दुनिया में आया ताकि हम अंधकार में ना रहे। तमसोमा ज्योतिर्गमया, भारत की सदियों पुराना प्रार्थना, अंधकार से हमें प्रकाश की ओर चलाए। उस प्रार्थना का जवाब लेकर यीशु आया। यीशु बोलते, जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं रहेगा, क्योंकि मैं जगत में ज्योति लेकर आया हूं, ज्योति बनकर आया हूं। जीसस इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप यीशु के ऊपर विश्वास करेंगे, वो सच्ची ज्योति है, हमें प्रकाशित करता है, फिर कभी हम अंधकार में नहीं तड़पेंगे, हले अंधकार में नहीं रहेंगे। उस ज्योति में हमें सब कुछ दिखता है, सच्चाई समझ में आ जाता है। हालेलुया, यीशु मसीह सच्चा ज्योति है जो सबको प्रकाशित करता है। उस ज्योति में चलने के लिए परमेश्वर हम सभी को सहायता करे। अंधकार में बैठे हुए लोगों के लिए हम एक ज्योति बन जाए, यीशु मसीह का ज्योति उनको भी दिखाए, ताकि परमेश्वर का महिमा देश में प्रकट होने पाए। यीशु मसीह का आने का मकसद, उद्देश्य सबको पता चलने पाए, लोग अनुभव करने पाए, आज का दिन आपका अच्छा रहने पाए। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विथ यू, शालोम।